दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन बीए पार्ट वन कंपलसरी का एग्जाम, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हर बार एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास को 1.5 जनरेशन में बांटा जा सकता है। तो कंप्यूटर के विकास को 5 जनरेशन में बांटा जा सकता है, जिसकी फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था और जो सेकंड जनरेशन है उसमें यूज़ किया जाता था ट्रांजिस्टर को, थर्ड जनरेशन में जो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी सर्किट का यूज़ किया जाता था, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता था, और जो अब फिफ्थ जनरेशन चल रहा है उसके अंदर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। अपना अगला क्वेश्चन है, गणित एवं तार्किक गणनाएं करने वाली इकाई है, तो उसके लिए कौन सी इकाई यूज़ की जाती है? जो तार्किक गणनाएं होती है लॉजिकल यूनिट है, तो उसके लिए एएलयू होती है, जो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाया गया प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर है, तो वो है एनालिटिकल इंजन। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज मेमोरी रैम की होती है, सबसे तेज मेमोरी रैंडम है एक्सेस मेमोरी, सबसे छोटी मेमोरी होती है निबल। ये क्वेश्चन ऑप्शन में इसका आंसर गलत दे रखा है, बी नहीं आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जो डोस है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये जावा का डिवेलपर है। इंटरनेट द्वारा प्रयोग में ले जाने वाला कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, तो जो टीसीपी है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल, अपना कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ये वाला ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो ये इंटरनेट के द्वारा प्रयोग में ले जाता है। सीडीरोम एक तरह की है, सीडीरोम एक ऑप्टिकल डिस्क, आधुनिक कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम के आधार पर काम करते हैं? तो वो बाइनरी डिजिट के नंबर पर काम करते, जो 0 और 1 की लैंग्वेज होती है। अगला क्वेश्चन है, दशमलव संख्या 11 का बाइनरी समतुल्य, तो इसके बारे में आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो 10-11 आपका ऑप्शन नंबर ए, और इस क्वेश्चन में गलत आंसर दिया गया, सी नहीं आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं, तो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं वो एन एंड नोर गेट्स कहलाते हैं, और ये जो बेसिक लैंग्वेज होती है इसमें सारे गेट्स लिखे जाते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग तथा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूस प्रकार का ई कॉमर्स है, तो वो जो ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे अपन फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदते हैं तो वो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, B2C। डेस प्रकार के ई कॉमर्स का तत्पर्य कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी के सामान बेचने व खरीदने से, तो B2B, जब बिजनेस टू बिजनेस कोई डील होती है तो वो B2B होती है। अगला क्वेश्चन, अपना कौन सा ई कॉमर्स का एक सिद्धांत है? तो ई कॉमर्स का सारे सिद्धांत है, इंटीग्रिटी और प्राइवेसी एंड ऑथेंसिटी, मतलब रियल वर्क और प्राइवेसी, मतलब किसी चीज़ को ऐसे सारे सामने प्राइवेटली रखना, किसी चीज़ को सबके सामने शो ना करना। सबसे विस्तृत नेटवर्क है, तो इसका सबसे विस्तृत नेटवर्क है इंटरनेट, जो कि समुद्रों में 11 किलोमीटर तक की गहराई और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर मून। टोपोलॉजी का मीनिंग आप मैं बताऊँ तो एक नेटवर्क से आगे ऐसे नेटवर्क जुड़े होते हैं, तो एक ट्री की तरह नेटवर्क बना सकते हैं, एक स्टार की तरह नेटवर्क बना सकते हैं, एक बस की तरह नेटवर्क बना सकते हैं, पर एक मून की तरह नेटवर्क नहीं बनाते। वो जो गोल शेप में नेटवर्क बनाते हैं उसको रिंग नेटवर्क बोलते हैं, रिंग टाइपोलॉजी। विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने का काम आता है, तो विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने का काम ऑप्शन नंबर सी गेटवे का होता है। अपना अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संचार का माध्यम नहीं है? जो संचार का माध्यम है ऑप्शन नंबर बी मोडम नहीं है। मोडम एक ट्रांसलेटर है जो कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। JPEG का तात्पर्य, तो JPEG का होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, एक एक्सटेंशन है पिक्चर फाइल का, और अन्य भी कई एक्सटेंशन जैसे PNG, MXV और बहुत सारे और है। MIDI फाइल एक है, तो MIDI फाइल क्या है, एक ऑडियो है जिसमें ऑडियो की रिकॉर्डिंग एडिटिंग आदि होती है। अपना अगला क्वेश्चन है, जो बेसिक कलर पूछे वो अन्य रंग को, बेसिक कलर होते हैं वो RGB होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, जिसका आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वो तीन बेसिक कलर होते हैं, उन्हीं कलरों को मिलाकर और अन्य कलर बनाए जाते हैं। भारत सरकार पोर्टल जो ई संपर्क पोर्टल है वो नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंटेक्ट करती है, तो ई संपर्क पोर्टल भारत सरकार द्वारा चलाए गए संपर्क कॉन्टैक्ट है। निम्न में से कौन सा DBMS नहीं है? तो DBMS नहीं है वो इसमें है जो आपका है ऑप्शन नंबर डी, होट जावा। होट जावा एक DBMS नहीं है, और सबसे पहला नेटवर्क था तो ये है ARPNET, ये सबसे पहला नेटवर्क था। निम्न में से कौन सा कम्युनिकेशन सेटेलाइट का एक घटक है? तो जो इसका सही आंसर होने वाला है वो है, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 8, ट्रांसपोंडर। और डेस की का प्रयोग स्लाइड शो को देखने के लिए किया जाता है, जिसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, F5 का प्रयोग स्लाइड शो को देखने के लिए किया जाता है, ना कि F2 का। F2 का उपयोग किया जाता है जब हमें किसी फाइल का नाम दोबारा लिखना हो या उस फाइल के नाम को रीनेम करना हो, तो F2 का प्रयोग किया जाता है। ये आंसर गलत है यहाँ पे। डेस को लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहते हैं, जो डेजी व्हील प्रिंटर उसको लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहते हैं, इसमें एक व्हील कैसे कड़ियाँ लगी होती है और उस पर हर कड़ी पर एक अक्षर टाइप किया होता है, तो उस हिसाब से जो अक्षर की क्लियरिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ऑक्टल संख्या में 7 का बाइनरी समतुल्य, इसको मैं आपको वीडियो के एंड में एक ट्रिक बताऊंगा
कि बाइनरी का समतुल्य कैसे निकालते हैं, तो हाल फिलहाल इसका जो सही आंसर है वो 111 सही है। दशमलव संख्या 157 का हेक्सा दशमलव समतुल्य, इसका भी आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसके सामने जो दे रखा है वो सही है और इसका भी सही है, आप वीडियो के सामने देख सकते हैं। अगला अपने को बोल जनरेशन की भाषा का प्रकार है, तो ये है अपनी फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है जो को बोल है, और इसके साथ में सी सी प्लस प्लस बेसिक और दो तीन लैंग्वेज वगैरह जो कि फोर्थ लैंग्वेज के अंदर आती है, फोर्थ जनरेशन के अंदर, लैंग्वेज के अंदर नहीं सॉरी, हार्ड हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में बदलता है। जो कंपाइलर होता है वो कंपाइलर का काम ही होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन कोड में बदल देता है ताकि वो प्रोग्राम कंप्यूटर पे अपने डिवाइस पे रन कर सके। कंप्यूटर मात्र कौन सी भाषा को समझता है, तो वो कंप्यूटर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को समझता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का तात्पर्य प्रोग्राम का वह समूह जो कंप्यूटर की एक प्रणाली को नियंत्रित करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो मैक डोस एंड्रॉयड ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं जो कंप्यूटर के या मोबाइल के अंदर प्रोग्राम को प्रणाली को संचित करते हैं, जैसे सेटिंग और अपने सारा प्रोग्राम मोबाइल में डिफाइन होता है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो जो ये विंडो एनटी है ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो जो इसमें आपका ऑप्शन है बी एम एस डॉस एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम को रन कराता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ईमेल, लास्ट क्वेश्चन, अपना ईमेल द्वारा किस तरह का डाटा भेजा जाता है, तो ईमेल द्वारा सारे तरह के डाटा भेज सकते हैं, अपने ऑडियो भेज सकते हैं, टेक्स्ट या वीडियो सारे डाटा भेज सकते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन, किसी वेबसाइट का प्रथम पेज होता है, तो प्रथम पेज को हम होम पेज बोलते हैं, ये तो आप जानते होंगे। डाटा मैनेजमेंट सिस्टम एक है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डाटा को मैनेज करता है। कंप्यूटर शब्द निकाला गया, तो कंप्यूटर शब्द लैटिन लैंग्वेज का है, आपका ऑप्शन नंबर एक। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, हर बार एग्जाम से जरूर आता है। WAN का पूरा नाम है, तो इसका होता है वाइड एरिया नेटवर्क, आपका जो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा CPU का एक हिस्सा है, जो CPU का हिस्सा है वो है ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि लॉजिकल गणनाओं को काम करने में कहता है। BCD का पूरा नाम क्या है, तो BCD का बाइनरी कोडेड डेसिमल, जो आपका ऑप्शन नंबर एक है वो करेक्ट रहेगा। अपने थे ये कर लिया था, यस हाँ। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, जो इनपुट डिवाइस है इसमें कीबोर्ड माउस और कार्ड रीडर तीनों इनपुट डिवाइस है, क्वेश्चन रॉन्ग दे रखा है। अपना अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क का जो CPU है उसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, रैम है तो रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपको मैंने पहले बता दिया था ऑप्शन नंबर डी एक बिट। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि एक बिट 8 बाइट के बराबर होता है। अपने रैम का इसका एक उदाहरण है, जो रैम है वो एक क्या है, रैम मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जिसमें जो प्रोग्राम होता है वो रन करता है ताकि क्विक क्विक रिप्लाई हो उसके, क्विक क्विक ट्रांजेक्शन और क्विक क्विक हो सके सारी घटना। इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो MS Excel कोई कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, ये तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अपना अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या सबसे छोटा भंडारण है, तो इसमें जो सबसे जो ये देखो ये तो है MB, ये TB और ये GB, तो इसमें सबसे छोटा भंडारण ऑप्शन नंबर एक है MB। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स के मुख्य चार प्रकारों में से एक है, ये सारे ई कॉमर्स के चार प्रकारों में आते हैं। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। IRC का मतलब क्या होता है, इंटरनेट रिले चैट, जो सिर्फ मैसेज के होते जाते हैं जिसमें टेक्स्ट लिखा जाता है, सिर्फ वो इंटरनेट रिले चैट होता है। SMPS स्टैंड फॉर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जो आपका ऑप्शन नंबर ए का वो बिल्कुल सही है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्हें किसने बनाया था, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, जे प्रेस पर रैकेट और जॉन डब्ल्यू मोचाली ने। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था, तो उसमें मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, जो पर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। मैग्नेटिक डिस्क इसका एक उदाहरण है, तो इसका जो उदाहरण है वो है सेकेंडरी मेमोरी, जो अपना हार्ड डिस्क होता है वो एक मैग्नेटिक डिस्क होता है और वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। अपना अगला क्वेश्चन है, बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन होता है वो जब हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो बायोस सेटिंग में जाकर ये विंडो इंस्टॉल होती है कंप्यूटर में। अपना अगला क्वेश्चन, डिफेंस इंजन का खोज करता है, तो इसका चार्ल्स बेबेज आंसर सही है। CD रोम का पूरा नाम है, तो इसका होता है कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, आपका ऑप्शन नंबर सी। IBM 1401 ये द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, जो कि ट्रांजिस्टर की सहायता से बनाए जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भंडारण उपकरण है, तो ये सारे भंडारण उपकरण आप ये सभी हार्ड डिस्क में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क और टेप में, पुराने जमाने में टेप होती थी उसमें डाटा स्टोर होता है रील से लिखा के। यूनिवर्सल गेट है, तो यूनिवर्सल गेट मैंने आपको अभी बताया था, एन एंड गेट है वो, इंटरनेट पर सर्वर एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी गेटवे। IRC का मतलब है, IRC का मतलब होता है इंटरनेट रिले चैट, जो मैंने बताया कि अभी आपको पीछे 2-3 क्वेश्चन पहले, ये एक टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट कर सकते हैं और इंटरनेट पर किसी से चैट करनी हो तो IRC का यूज़ करते हैं।
अपने यहाँ तक हो गया था। ईमेल पता बना होता है, दो भागों से बना होता है, जैसे किसी की भी ईमेल होती है तो वो दो भागों से बनी होती है। जैसे कि मेरी ईमेल है तो sanjeevthapan@gmail.com, तो पीछे डॉट कॉम होता है वो दूसरा पार्ट होता है, जो आगे पार्ट होता है जीमेल तक का वो पहला पार्ट होता है। इथरनेट का प्रयोग हुआ था, इथरनेट प्रयोग मैश टोपोलॉजी, इथरनेट प्रयोग करता है मैश टोपोलॉजी। जो इसका सही आंसर होने वाला वो मैश टोपोलॉजी नहीं है बल्कि ऑप्शन नंबर सी है, बस टोपोलॉजी। हब किस नेटवर्क से संबंधित है, तो हब वो मैश नेटवर्क से संबंधित है। यहाँ पर निम्न में से कौन सी नेटवर्क डिवाइस नहीं है, तो जो स्विच है वो कोई नेटवर्क डिवाइस नहीं होता। TCP/IP का मुख्य प्रयोग क्या होता है, इसका होता है फाइल ट्रांसफर का मुख्य प्रयोग। वेबसाइट पर दिखाई देने वाले प्रथम पेज को क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। जब हम किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उसका फर्स्ट पेज हमारे सामने शो होता है, उसे होम पेज कहते हैं। इंटरनेट द्वारा कौन सा प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है, तो इंटरनेट द्वारा TCP/IP। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, हर बार एग्जाम्स में आता है। ये जो प्रोटोकॉल है TCP/IP वो प्रयोग में लिया जाता है। कंप्यूटर में MIRCR होता है, तो वो होता है मैग्नेटिक इंकरेक्ट रीड, जो आपको ऑप्शन नंबर सी है। इसमें जो चेक चेक की रीडिंग MIRCR से होती है, जो बैंकिंग में चेक होता है ना अपना। अगला क्वेश्चन है, 1 MB बराबर होता है, तो ये पूछ रहा है 1 MB कितने के बाइट बाइट कितने किलो बाइट के बराबर होते हैं, जो 1024 KB। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऐसे अपने आम बोलचाल में हम इस चीज़ को 1000 बता देते हैं, लेकिन वो जो करेक्ट होता है वो 1024 होता है। अपना अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को उनके कार्यों के अनुसार वर्गीकृत करने को कहा जाता है। ये सारे कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, कई हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, कई डिजिटल होते हैं, तो उपयुक्त सभी सही है। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है, CRT मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, इम्पैक्ट प्रिंटर है वो भी इनपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डैश के द्वारा अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर किया जाता है बजाय चेक या कैश के, तो जो ई बैंकिंग होती है उसके द्वारा। GUI से आश्रय है, तो इसका होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आपका ऑप्शन नंबर डी वो एकदम करेक्ट आंसर है। इसका मतलब जिसे किसी एप्लीकेशन का इंटरफेस कैसा वो उसको कहते हैं GUI। जैसे आपने कई बार फोटो एडिटर का इंटरफेस आसान होता है, कई फोटो एडिटर का इंटरफेस काफ़ी कठिन होता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट से आपके कंप्यूटर पर फाइल भेजने के प्रोसेस को कहते हैं, उसको डाउनलोडिंग बोलते हैं। इस क्वेश्चन ने आंसर गलत दे रखा है। MS वर्ड निम्न में से कौन सी बार उपलब्ध नहीं है, तो MS वर्ड वर्ड में फॉर्मूला बार उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसमें वैसे वर्ड टाइप करने का काम होता है, फॉर्मूले का लिखने का कोई काम ही नहीं होता। यहाँ पे थे बौद्धिक संपदा अधिकार में आता है, तो जो तकनीकी जानकारी के जानकारी होती है वो बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आती है। और ये जो क्वेश्चन है, लेखक को एक निश्चित समय तक उसके समय के कार्य से संबंधित पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर रूपांतरण के लिए विशेष अधिकार होता है, उसको कहते हैं कॉपीराइट, जो ऐसे लिखा होता है गोल चक्कर के अंदर सी बनाकर। तो अपना अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया में होते हैं ऑडियो वीडियो दोनों ही होते हैं मल्टीमीडिया में, तो लेकिन हम यहाँ पे मदरबोर्ड को जाना जाता है, मदरबोर्ड को प्लेट भी कहते हैं। रैम कहाँ लगी होती है, वो मदरबोर्ड के अंदर लगी होती है, आप ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन का, लिनक्स क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मैंने काफ़ी बार बता दिया, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ब्राउजर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ऑप्शन नंबर सी, वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक ब्राउजर है, जो विंडो में प्री इंस्टॉल्ड होता है। अपने यहाँ पर आइकन आइकन होता है, आइकन होता है छोटा ग्राफिकल पिक्चर, जैसे व्हाट्सएप का आइकन होता है उसको, वो होता है छोटी ग्राफिकल पिक्चर। इसका क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है। ईमेल के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है, तो ईमेल के लिए जो प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है वो होता है आपका SMTP, इसका पूरा नाम होता है। वो क्वेश्चन किधर गया, हाँ सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम होता है। मल्टीमीडिया में होता है ऑडियो वीडियो दोनों होती है। निम्न में से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो आपकी हार्ड डिस्क। कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। इंटरनेट पर सर्वर को कहा जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो हब होता है उसको, इंटरनेट पर सर्वर को हब कहा जाता है। स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी कुंजी काम में ली जाती है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, जो कि F5। इसका भी आंसर गलत दे रखा है, F5 इसका सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो चुका है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में निम्न में से कौन से कंपोनेंट है, तो CPU में अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट व कंट्रोल यूनिट दोनों ही होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। फॉन्ट को मापने की कही है, तो पिक्सल में फॉन्ट को मापा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में लगा होता है वैक्यूम ट्यूब, जो कि आपका ऑप्शन नंबर वैक्यूम ट्यूब है। मैग्नेटिक ड्रम, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल। WWW में पाई जाने वाले डॉक्यूमेंट को कहते हैं, जो एक वेबसाइट होती है वो WWW फॉर्मेट में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में देने वाले निर्देशों के समूह को कहते हैं, तो जिसका सही आंसर है वो आपका है सॉफ्टवेयर, आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका क्वेश्चन गलत आंसर गलत दे रखा है। MPG किस तरह की फाइल है, इसका भी आपको आंसर गलत दे रखा है। इसका जो सही आंसर है वो MPGC। MPG एक वीडियो फाइल होती है। कंप्यूटर के डाटा में डाटा की गलती को बग कहते हैं, बग आपका ऑप्शन नंबर बी। DNS से
आपका डीएनएस या आस्य है, तो डीएनएस से होता है डोमेन नेम सिस्टम, आपका ऑप्शन नंबर डी। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका ऑप्शन नंबर सी। बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस माउस तो इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है और जोस्टिक भी इनपुट है, तो सारे ये इनपुट है, यानी कि आउटपुट डिवाइस इनमें से कोई नहीं है, ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज, आपका ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी। सी यू आई का पूरा नाम क्या है, तो सी यू आई का पूरा नाम है कंप्यूटर यूजर इंटरफेस, आपका ऑप्शन नंबर बी। ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑप्शन नंबर ए। दशमलव संख्या प्रणाली का बेस है, तो 0 और 1। और आईपी का पूर्ण रूप है, तो होता है आईपी का पूरा रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपका ऑप्शन नंबर बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक्स।